अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। सुंदरी, सबको पानी पिला देना बेटा। हाँ जी। हलीम पुत्र। जी बाबूजी। इधर आ। कुछ चाहिए बाबूजी? एक बात बोलूं? जी। तेरे मुंह में ना मैं नहीं है, सबको पानी पिला दो। तूने फिर से साबित कर दिया ये घर तुझी से है। ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबूजी? पुत्र, ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से तूने सब कुछ संभाला है, ये किसी और के बस की बात नहीं थी। बाबूजी एक सेकेंड, खुल के बताइए ना क्या संभाला है। पुत्र, पूर्वी के व्रत के बाद इसने पूर्वी से बात की और पूर्वी को माफ कर दिया। फिर मोनिशा को बड़ी अच्छी तरह से संभाला। मैं जानता हूं इस बात को कि पूर्वी ने सबसे छुप के व्रत रखा, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी तूने पूर्वी की बात को समझा और उसे माफ कर दिया। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। इस लड़की ने मेरे बेटे के लिए व्रत रखा, उसके पति के लिए। और जब कोई पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, गलत कैसे हो सकता है? और ये बात शायद मैं उसके सामने नहीं कह पाऊं, लेकिन हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही कठिन व्रत है। लेकिन पूर्वी ने यह व्रत रखा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने मेरे बेटे के लिए, अपने पति के लिए व्रत रखा और पूरा भी किया। और मुझे उसकी यही बात बहुत अच्छी लगी, जो लोग रीति रिवाजों को समझते हैं, अहमियत देते हैं और उसे अच्छे से निभाते हैं, वो लोग मुझे बहुत पसंद है बाबूजी। वंडरफुल मॉम, यू लुक फ्लोर। आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आजकल पूर्वी आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आने लग गई है। मैं उससे नफरत नहीं करती दीपिका, करने भी नहीं चाहिए हरलीन पुत्र। सब लोग परिवार में खुश रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहे, हम बड़े लोग और क्या चाहेंगे? हमारा तो यही आशीर्वाद रहेगा। और जो तूने किया वो बहुत सही किया। मैं पहले भी कह चुकी हूँ तुझसे कि तूने पूरे परिवार को संजो के रखा हुआ है। सब लोग इसी को क्रेडिट दो, परिवार इसी से है। अरे कमाल है यार, मेरा क्या, ये परिवार मुझसे है। भाजी मुझसे भी और मुझसे भी। यस। चुप करो यार, हर औरत से होता है और औरत का ही होता है। सुन लिया तुम सब लोगों ने? अब चुपचाप सब लोग खाना खा लो, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, तबीयत खराब हो जानी है सबकी। ये लाख रुपए की बात कही बीजी ने, बीजी आई एम विद यू। Of course, तबीयत खराब हो जाएगी यार, खाना खाते हैं। हाँ, चलो मैं अभी लेके आती हूँ। हरलीन जी, where are you going? Please, यहाँ। खाना लेने जा रही हूँ। No, 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 no. आप पहले यहाँ आएंगी। कहाँ? यहाँ आप बैठेंगी। क्या और करें? मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगा। बैठिए। अरे क्या कर रहा हूँ, मतलब हस्बैंड हूँ यार, कुर्सी खींच रहा हूँ, तुमको बिठा रहा हूँ, अपने हाथ से खाना खिलाना चाहता हूँ। अब तो अनाउंस भी हो गया ना, सब कुछ इसकी वजह से है, तो सेवा तो करनी पड़ेगी। क्यों बाबूजी? सही कहा पुत्र, जो जितनी सेवा करेगा उसे उतना ही मेवा मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप बैठो, आज तो सेवा बनती है। अरे घर वालों के सामने प्यार को जताने का मौका तो दो। पुत्र मुझे तेरे ऊपर गर्व है कि तू अपनी पत्नी का इतना ध्यान रख रहा है। इतनी मेहनत तो बाजी कर सकते हैं है ना बाजी? वैसे इतनी मेहनत तो हर हस्बैंड को करनी चाहिए, है ना परजाई जी? बिल्कुल। सुनिया जसवंत, वैशाली ने तुमका मारा, उठ और सेवा कर। विक्रांत तू क्या कर रहा बैठे बैठे, तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन चाहिए? उठ यार, तू भी सेवा कर। दीपिका, अरे क्या कर रहे हो आप लोग सब? कुछ नहीं, चुपचाप बैठो और खाने का मजा लो। अरे आज तो बनता है हरली। इस बात से यही प्रूव होता है कि इस घर में लेडीज को कितना प्यार मिलता है। अरे मिलेगा ही ना, इनका तो हक बनता है। मैं तो कहता हूँ चिराग लेकर ढूंढेंगे ना तो हमारे घर जैसी औरतें कहीं नहीं मिलेगी, एक से बढ़कर एक है। बीजी को देखो, हरलीन जी को देखो, वैशाली और दीपिका को देख लो। बाबूजी वाकई
भगवान का आशीर्वाद है, उसने वाकई हमारे परिवार को ब्लेस किया है। एक से बढ़कर एक है सबके सब। मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी थी युग के बारे में। क्या हुआ वैशाली, क्या परेशान कर रहा तुझे? नहीं नहीं भौजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस उसके शादी के बारे में आप सबसे बात करना चाहती थी। शादी? जी बीजी, मुझे लगता है कि अब हमें युग की शादी भी कर देनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप में से किसी की नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो प्लीज बताइएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अचानक शादी का ख्याल आया कैसे? आई मीन युग छोटा है ना, काफी टाइम है उसके बाद। वैसे ये मेरा ख्याल है, लेकिन तुम चाहती हो तो जरूर हम अच्छी कोई लड़की देखेंगे, क्यों हरलीन? जी बिल्कुल। लवाई लो। मैं लेती हूँ। मेरे सामने लो। नहीं कुछ मत बोलो, लो चुपचाप। तुम भी ना ऐसे मानोगी नहीं, फिर मैं समझ गया हूं तुमसे कैसे डील करना है। लो। गुड, चलो अभी तुम रेस्ट करो। अभी रहने दो, मैं रख दूंगी। मैं रख दूंगा, तुम कोई काम नहीं करोगे, रेस्ट करोगे। थैंक यू। ये मत समझना मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मैं अब भी अपसेट हूं। अब भी सोच रहा जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब तुमने जो किया वो मुझे अच्छा लगा। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ भी किया हो गुस्से के अलावा जो तुम्हें अच्छा लगे। तुमने मुझे मेरा हक वापस दिलवाया आरवी, जो मनीषा ने ले लिया था। तुम मनीषा से वो छन्नी वापस लेकर आए, मुझे मेरी चीज वापस की, उसके लिए थैंक यू। स्टफ पराठा। सुंदरी, क्विक क्विक क्विक, कितना स्लो काम करती हो तुम, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट सर्व करो, वरना ना डिनर टाइम पर ब्रेकफास्ट सर्व होगा। दीपिका पुत्र, तू ये सब छोड़ और जाके पूर्वी को बुला के ला, उसे कह सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी वेट कर रहे हैं, जा। दादू मैं, हाँ जा ना। दादू सुंदरी चली जाएगी। दीपिका सुंदरी ये वाले सारे काम कर लेगी, तू जा और पूर्वी को बुला के ला, जा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।